हेलो दोस्तों, आज हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में बात करेंगे। देखिए, ये नॉर्थ ईस्ट की नदी है, तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, इसके साथ साथ मैप जरूर लेके बैठिए और मैप के अकॉर्डिंग एक ही चीज़ बहुत ध्यान से देखिए, है ना, क्योंकि मैप से ही क्वेश्चन आएंगे। अगर मैप आपका बहुत अच्छा रहेगा तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो मानसरोवर झील से निकलती है। मानसरोवर झील कहाँ है? तिब्बत में। वहाँ पे एक हिमानी है जिसका नाम है चीमा युंगदुंग, वहाँ से निकलती है। उसके बाद जब ये तिब्बत से बहती है ना, तो इसका नाम जो रहता है वो रहता है शांगपो नदी, है ना, शांगपो नदी। और यहाँ से जब ये भारत में एंट्री करने लगती है तो अरुणाचल प्रदेश से एंट्री करती है। तो वहाँ पे एक बहुत फेमस है नामचा बरवा पर्वत, कई बार ये एग्ज़ाम में कई पूछा गया है, ये ध्यान रखिएगा। नामचा पर्वत कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। यहीं से तीखा मोड़ लेके भारत में एंट्री करती है, तब इसका नाम दिहांग होता है। तो पहले क्या नाम था? सांगपो, और अब क्या नाम पड़ गया इसका? दिहांग। इसके बाद ये देवांग और लोहित नामक दो नदियों से मिलती है, तब असम में एंट्री होगी इसकी, है ना, असम में। और इसका नाम क्या होगा? ब्रह्मपुत्र। देखिए, असम घाटी में ब्रह्मपुत्र नदी पे गुम्फित होने से, गुम्फित का मतलब हो गया कि बहुत सारे रेत के टीले या नदियों द्वारा जो मिट्टी लाई जाती है उसकी वजह से द्वीपनुमा एक संरचना बन जाती है, जैसे अंडमान निकोबार है उसी तरह। तो यहाँ पे इसके माजुली द्वीप कहा जाता है। और ये बात ध्यान रखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा नदी के द्वारा बनाया गया द्वीप है जिसे माजुली द्वीप कहते हैं, सबसे बड़ा, है ना। बांग्लादेश में जब यह आगे बढ़ती है तो इसका नाम जमुना पड़ता है, और ये तिस्ता से मिलती है। तिस्ता नदी कहाँ से आती है? अभी हम डिस्कस करेंगे आगे। देखिए, इसके बाद यह नदी पद्मा, जिसे गंगा नदी कहते हैं, उससे मिलती है। देखिए, दाई ओर से कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं इससे? सुबर्नसिरी नदी, मानस, दिहांग नदी और तिस्ता नदी। ये चार नदियाँ जो है से दाई ओर से मिलेंगी, और बाई ओर से लोहित, धनसिरी नदी और दिबांग नदी, ये नदियाँ मिलती हैं। मैपिंग में आपको देखना है कि कहाँ कहाँ, आगे मैं एक मैप डाला हूँ उसमें हर चीज़ है। चलिए आगे देखते हैं। कुल मिला के लंबाई इसकी 2900 किलोमीटर है, ठीक है। भारत में इसकी लंबाई सिर्फ 916 किलोमीटर है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, यहीं पे जो माजुली द्वीप है ना, इसी के आसपास में एक काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, ध्यान रखिएगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में एक सींग का गैंडा पाया जाता है जो इंडेंजर्ड कैटेगरी में है ना। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया है ये। तो चार नदियाँ मुख्य इस राष्ट्रीय उद्यान से गुजरती हैं, जिसमें ब्रह्मपुत्र है, दीफ्लू है, मोरा दीफ्लू है और मोरा धनसिरी है। तो नाम बस इसका ध्यान रखिएगा, ब्रह्मपुत्र गुजरती है, बस इन सबको एक बार देख लीजिएगा। आगे देखते हैं। देखिए, जब ये ना बांग्लादेश में यमुना नदी की धारा, यमुना कौन है? ब्रह्मपुत्र। ये पद्मा से मिलती है, और पद्मा कौन है? गंगा। इनसे मिलती है तो पद्मा ही होगा आगे कहलाती है। और मणिपुर से ना, एक मणिपुर जो अपना इलाका है, वहाँ से एक बराक नाम की नदी निकलती है। जब वो बांग्लादेश में जाती है तो पद्मा से मिलती है। जब पद्मा से ये मिलेगी तो इन दोनों का नाम मेघना हो जाता है, ठीक है। और अंत में मेघना ही जाके बंगाल की खाड़ी में गिरती है, इस बात को ध्यान रखना है। और जो मानस नदी है, क्योंकि हमने पढ़ा अभी कि मानस नदी भी आके जो है ब्रह्मपुत्र में मिलती है, तो मानस नदी कहाँ से निकलती है? भूटान से निकल के असम राज्य में ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। उसी तरह सुंबरसिरी जो है पूर्वी तट नदी है, जो उद्गम क्षेत्र इसका कहाँ है? तिब्बत। और यह तिब्बत, अरुणाचल प्रदेश और असम में प्रभावित होती है। क्यों? क्योंकि मैपिंग में आपको ये करना है, तभी ये बातें समझ में आएगी। आइए एक बात और ध्यान से देखिएगा कि एक संकोस नदी है जो उत्तरी भूटान से निकलती है, आसाम और पश्चिम बंगाल के बीच सीमा बनाती हुई। तो ये वैसे भी पूछा जा सकता है कि संकोस नदी ऐसी कौन सी नदी है जो असम और पश्चिम बंगाल के बीच में सीमा बनाती है? तो संकोस नदी है, और असम बांग्लादेश के में ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। अब देखिए ये मैप देखिए आप ध्यान से, है ना। ये देखिए, यहाँ से सांगपो है नदी, यहाँ से निकली, यहाँ से देखिए नामचा बरवा पर्वत यहीं पे है, और यहीं से ये तीखा मोड़ लेके इंडिया में यहीं से एंट्री कर रही है, ठीक। तो यहीं पे देखिए तीन नदियाँ, एक दिहांग, दिबांग और लोहित, ये इधर से तीन नदियाँ आके इसमें मिलती हैं। और ये देखिए असम में यहाँ से एंट्री होती है, ये असम है, असम में एंट्री होती है, इसका क्या नाम हो जाएगा? बिल्कुल, ब्रह्मपुत्र। उसके बाद यहाँ से, यहाँ देखिए सुना क्या लिखा है, सुबनसिरी, उसके बाद कामेंग,
फिर यहाँ मानस है, ठीक है, ये आप इसको देख लीजिएगा मैप में बढ़िया से, है ना, कौन कौन सी नदियाँ हैं, ठीक है, पढ़ने में कम आ रहा है तो एक बार देख लीजिएगा कौन कौन सी नदियाँ, क्योंकि ये सब आपसे कई बार पूछा जा सकता है। देखिए तिस्ता नदी जो है ये एक ग्लेशियर है, जेमू ग्लेशियर, और कहाँ पे देख रहे होंगे आप, ये अपना इलाका है जिसे हम कहते हैं, वहाँ से निकल रही है, ठीक है, और इस ग्लेशियर का नाम ध्यान रखिएगा, यहाँ से तिस्ता नदी निकलती है, और तिस्ता नदी आगे कहाँ निकल रही है, ये बांग्लादेश में निकली थी और यहाँ पे आके मिल रही है ब्रह्मपुत्र में, ठीक है, ब्रह्मपुत्र में जब मिलती है तो ठीक आगे गंगा आ रही है पद्मा के नाम से, यहाँ पे बांग्लादेश में ये मिलते हैं, और यहाँ पे देखिए ये बराक नदी आ रही है मणिपुर से, ठीक, और ये जब मिलती है तो इसका नाम मेघना हो जाता है, और गंगा नदी यहाँ से जब अलग होती है तो इसका हुगली और पद्मा दो भागों में बढ़ जाती है, और ये बात को ध्यान रखिएगा ये सबसे बड़े डेल्टा है, विश्व के सबसे बड़े डेल्टा क्षेत्र का निर्माण करते हैं यहाँ दोनों मिलके, और यहीं पे सुंदर वन पाया जाता है, ठीक, तो इतनी बातें ध्यान रखिएगा, और आपसे उम्मीद है कि आप क्या करेंगे आज के, आज ही ब्रह्मपुत्र के यहाँ पे मैपिंग अच्छे से करेंगे, है ना, मैपिंग बढ़िया से कर लीजिए तो ये गलतियाँ नहीं होंगी एग्ज़ाम में, है ना, और देख ही रहे हैं बहुत छोटा सा तंत्र है, अगर 2-3 बार आप इसको सही से देख लेंगे तो गलती नहीं होगी। चलिए आज के लिए इतना बहुत है, तो उम्मीद है ब्रह्मपुत्र से क्वेश्चन आएगा तो हम सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।